स्क्रीन ट्रेनिंग कर रहे हो तब जाके आपका स्किल डेवलप होगा, अगर आप नहीं कर रहे हो स्किल तो छोड़ो, इंजरी होगा वो अलग है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज अरिंदा फ्रॉम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा, नेवर डू बैकवर्ड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो पंचिंग बैग इज योर बेस्ट फ्रेंड। पंचिंग बैग वर्क करने से आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना लाइक ओवरऑल स्किल जो है वो अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बैकवर्ड गलत करते हो तो स्किल तो डेवलप नहीं होगा, इंजरी होगा बहुत, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि जब आप बैकवर्ड कर रहे हो आप सही से परफॉर्म करो। अगर आपका गोल ये है कि आपको फाइट करना फ्यूचर में, ऑब्वियसली आपको सिर्फ बैकवर्ड नहीं, आपको शैडो बॉक्सिंग वर्ड पैड वर्क सबको ही आपको सही से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो जस्ट फॉर फिटनेस, तब भी आपको जो टेक्निक है वो सही रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो आपको इंजरी भी वर्कआउट करना है, ऐसा नहीं हो कि आप फिटनेस के सेक्टर में बॉक्सिंग कर रहे हो लेकिन एंड ऑफ द डे आप एल्बो इंजरी रिस्ट इंजरी से परेशान हो, राइट। सो इंजरी भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बैकवर्ड को परफॉर्म करें ताकि आपका जो स्किल है वो डेवलप होता रहे एंड इंजरी से बचे रहे, ठीक है ना। तो वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट ऑफ द वीडियो। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप बैकवर्ड कर रहे हो मेक श्योर कि आप हैंड रैप एंड ग्लव्स का यूज जरूर करें, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर वन, जब आप बैकवर्ड कर रहे हो आपको प्रॉपर टेक्निक पता होना चाहिए। यस, जो मैक्सिमम इंजरी होता है वो इधर से चालू होता है, बिगिनर लोगों को ऐसे पता नहीं होता एंड वो पहले दिन से पावर स्पीड से मारना चालू करते हैं एंड इंजरी हो जाता है। रिस्ट में स्पेशली आप देखोगे, अगर आप बिगिनर हो तो आप खुद भी डिटेक्ट कर पाओगे कि जब हुक करते हैं तो बोलते हैं कि रिस्ट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है बहुत गंदा। यस, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कैसे सही से पांच को लैंड करें, रिस्ट का पोजीशन कैसे हो। अगर आप ऐसे कुछ और ऐसे कुछ करके रिस्ट को लैंड करते हो तो आपको दर्द होगा ही। आपका जो फोरआर्म मसल्स है, बाइसेप मसल्स है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लैट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका जॉइंट पेन होगा ही। तो मेक श्योर, अगर आपको फॉर्म नहीं पता है तो अपने कोच के साथ डिस्कस करो, एंड अगर आपके पास कोच नहीं है तो मेरा वीडियोज है, हर एक पार्ट के लिए वीडियोज है, मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का पूरा, आपको चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉपर टेक्निक्स है। तो जब आप हीट कर रहे हो मेक श्योर कि आपका टेक्निक प्रॉपर रहे, तब जाके आपका जो स्किल से वो इंप्रूव होगा एंड आप हो गए इंजरी फ्री। नो मैटर कि आप फिटनेस के लिए कर रहे हो और आप फाइट के लिए कर रहे हो, आपका टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर टू, इज योर फुटवर्क। सोचो आप रिंग में हो एंड आपका ऑपोनेंट ऐसे खड़ा नहीं रहेगा आपसे मार करने के लिए, वो मूव करेगा, राइट। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो मेक योर ट्रेनिंग बी रिस्की, आप मूव कर, यूज योर फुटवर्क। अगर सिर्फ ऐसे आप पांच कर रहे हो तो दिस नॉट वेरी रिस्की। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो देन ओके, मैं फिर बोलूंगा यूज इट होगा क्योंकि उसमें ज्यादा कैलोरी बर्न होता है। सो बराबर फाइट के लिए कर रहे हो तो लाइक आपको यूज करना ही पड़ेगा फुटवर्क, है ना। तो लाइक यूज योर सर्कलिंग, यूज योर स्किप स्टेप्स, यूज योर फिटनेस, देन यूज योर पुश बैक्स, है ना। तो यूज योर फुटवर्क, ये एकदम रोटो स्टोरी, यूज योर फुटवर्क, है ना। पॉइंट नंबर थ्री, अच्छा उससे पहले ये बोलना चाहता हूं कि जब आप फुटवर्क यूज करो मेक श्योर कि वो परफेक्ट है, यूज करो कि लाइक आपका जो डिस्टेंस है दोनों फीट दोनों लेग्स में तो वो डिस्टेंस सही रहे, आप ऐसे क्रॉस नहीं कर रहे हो एंड लाइक अगर आप ऐसे पांच कर रहे हो आपका लिंग पे चला गया, बैक लिंग नहीं जा पाया, ये सब ना हो तो सही से परफॉर्म करना पड़ेगा, तब भी जाके आपका जो स्किल्स वो अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा अगर आप स्क्रीन ट्रेनिंग कर रहे हो तब जाके आपका स्किल्स डेवलप होगा, अगर आप नहीं कर रहे हो स्किल्स तो छोड़ो, इंजरी होगा वो अलग, है ना। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, ये बिगिनर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है क्योंकि यह डिस्टेंस कंट्रोल। मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखता हूं कि वो बैकवर्ड शूट करते हैं फ्रॉम हियर, दिस इज नॉट द राइट डिस्टेंस। क्योंकि आप सोचो आप फाइट में अगर ऐसे घुसोगे तो वो आपको छोड़ देगा, नहीं ना, तो बैक के साथ आप इसे क्यों कर रहे हो। आपका जो बैकवर्ड चालू होगा फ्रॉम हियर, वन हाथ से थोड़ा सा ज्यादा। नाउ यूज योर जैब्स, यूज योर लॉन्ग रेंज वेपन, जैब क्रॉस, देन आप यूज योर फुटवर्क, यूज योर लेग मूवमेंट, आप डिस्टेंस को क्लोज करो, फिर यूज योर अपर बॉडी हुक्स एक्सेट्रा। सो आपको डिस्टेंस कंट्रोल आना पड़ेगा सही से, और ये बिगिनर के लिए टारगेट है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो आप बैकवर्ड जब आप कर रहे हो तो आप स्टार्ट करो इधर से, देन जैब करो, देन ऐसे कर करके आपने फुटवर्क यूज करके आप डिस्टेंस को क्लोज करें। मैं डिस्टेंस क्लोज करने के लिए मैं एक बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ पॉइंट नंबर फोर, जब आप बैकवर्क कर रहे हो व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यूज योर हिप मूवमेंट। देखो आपने
पॉइंट 1 2 3 सही कर दिया, आप सही से पंच कर रहे हो, अपने फूड वर्क सही किया, बेसिक कर सही किया, लेकिन अगर आपको कहीं पे नहीं आता है तो क्या होगा, ऑपोनेंट का जो पंच है वो आप डिफेंस नहीं कर पाओगे, तो जो आपने 3 पॉइंट सही किया वो खत्म है ना। तो यूज योर हेड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पंच करोगे तो ऑपोनेंट भी आपको पंच करेगा, तो अगर आप फूड वर्क हेड मूवमेंट नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। तो जब आप बैक वर्क कर रहे हो तो ऐसे आप बैक वर्क को परफॉर्म करो। राइट, तो जो चार पॉइंट्स मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पांच ही टेक्निक्स सही करना पड़ेगा, यूज योर फूड वर्क, बिजनेस कंट्रोल एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यूज योर हेड मूवमेंट। राइट, सो आशा करता हूं आप लोगों को जानने को मिला कि कैसे सही से बैक वर्क किया जाता है, एंड आप ये सब नोट करके रखो ताकि जब आप जिम में जाओगे या जब आप नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आप जाओगे तो आपको सही से करना है परफॉर्म, तो इससे आपका जो स्किल से वो डेवलप होगा। इसमें से कुछ भी पॉइंट अगर आप मिस करते हो तो मार्क माय वर्ड आपका स्किल इंप्रूव नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।